साबूदाना आलू चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए साबूदाना। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है भिगो हुआ। तो साबूदानों को मैंने रात को ही भीगने के लिए रखा था। एक 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और साबूदाना अच्छे से भीग चुका है। तो इस तरह से हाथ पर लेकर इसका चूरा होना चाहिए। इस तरह से अच्छे से साबूदाना भीगना चाहिए। अगर साबूदाना अच्छे से भीगा नहीं हो तो आपकी चकली कड़क बन सकती है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि साबूदाना अच्छे से भीगना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लिए और इसका छिलका मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर मैंने परात लिए। तो अभी हम आलू को घीस लेते हैं। आलू को घीसना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें गुठलियाँ पड़ती है अगर हम इसे घीसेंगे नहीं तो। तो इस तरह से हम आलू को घीस लेते हैं। साबूदाना चकली में आलू डालने से चकली बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आलू को मैंने घीस लिया है, अभी हम इसमें डालते हैं साबूदाना। इसके बाद चिली फ्लेक्स। आप चिली फ्लेक्स की जगह हरी मिर्च की पेस्ट भी ले सकते हैं, मगर हरी मिर्च पेस्ट लेने से क्या हो जाता है कि जब चकली सूख जाती है तो काली पड़ जाती है और दिखने को भी अच्छी नहीं लगती और टेस्ट में भी थोड़ा सा फर्क आता है। तो इसलिए आप चिली फ्लेक्स लीजिए, इससे चकली भी अच्छी दिखेंगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसके बाद डालते हम नमक स्वाद अनुसार। आलू और साबूदानों को हम अच्छे से मसल लेते एक 5 मिनट तक। जितना अच्छा हम मसल लेंगे उतनी अच्छी हमारी चकली क्रिस्पी बनेगी। इसमें हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मसल मसल कर लेते हैं एक 5 मिनट तक। आलू और साबूदानों को मैंने अच्छे से मसल लिया है एक 5 मिनट तक। तो अभी हम चकली बना लेते हैं। चकली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चकली का साँचा लिया है और इसे तेल लगाकर अच्छे से ग्रीस किया है। आप तेल घी कुछ भी लगा सकते हैं और मैंने हाथों को भी थोड़ा सा तेल लगा लिया है। तो अभी हम इसमें से एक गोला लेते और इसे इस तरह से लंबा कर शेप देते। इसे हम साँचा के अंदर डालते, जितना इसके अंदर बैठेगा उतना डालेंगे हम। अभी हम इसे बंद कर लेते। चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन का पेपर लिया है। आप चाहे तो इसे थाली पर भी बना सकते हैं, पर थाली पर आप बनाएंगे तो सबसे पहले उसे तेल या घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कीजिए। तो अभी हम चकली बना लेते। तो इस तरह से हम चकली बनाएंगे। साइज आप अपने मन के अनुसार छोटी बड़ी रख सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी की भी चकली बना लेते। तो इस प्रकार से हमने चकली बना ली है। तो अभी हम इसे कड़ी धूप में 2 दिन सुखा लेते हैं। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आती हो तो आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, मगर पंखे के नीचे इसे सुखाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी हम इसे कड़ी धूप में 2 दिन सुखा लेते। 2 दिन हो चुके हैं, चकली हमारी अच्छे से सूख चुकी है। तो मैंने इसे कड़ी धूप में 2 दिन के लिए सुखाया था। तो ये अच्छे से सूख चुकी है, एकदम कड़क बन चुकी है। अगर आप इसे पंखे के नीचे सुखा रहे हो तो सेम इसी तरह से इसे सुखा लीजिए एकदम कड़क, तभी आप इसे 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम इसे तेल में फ्राई करते। तेल को मैंने पहले से गर्म करने के रख दिया था। तेल अच्छा गर्म हो चुका है तो अभी हम इसमें चकली फ्राई करते। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से फूल रही है।
इसका कलर भी बहुत अच्छे से आ चुका है। तो अभी हम इसी प्रकार से बाकी के चकली को भी फ्राई करते हैं। मैं आपको एक और दिखाती हूँ। अगर आपको मेरा आज की वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आप भी इसी प्रकार से चकली बनाकर स्टोर कर सकते और साल भर तक इसे रख सकते, और जब भी आपको इसे फ्राई करने का मन करे तो आप इसे फटाफट से बनाकर खा सकते, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखा आपने हमारी चकली कितनी अच्छे से बन चुकी है। हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाला था तो इसकी वजह से इसका कलर भी कितने अच्छे से आ चुका है और एकदम क्रंची बन चुके है। मुंह में डालती ही घुल जाती है, इतने अच्छे से बनी है। तो इस तरह से मैंने चकली को फ्राई किया है। मैं आपको एक तोड़ के भी बताती हूँ कितने अच्छे से क्रंची बनी है। तो ये देखिए एकदम क्रंची बनी है। तो चकली मुंह में डालते ही घुल जाती है, इतने अच्छे से ये खस्ता बनी है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।